नमस्कार, मैं हूं नीलू। कंगना रनावत बीजेपी की सांसद कुछ ऐसा कह देती हैं कि बीजेपी की भी इस पर कुछ कहने की बात सामने नहीं आती, बीजेपी भी इस पर कुछ नहीं कहती है। बीजेपी कहती है कि देखिए उनका बयान था, उससे किनारा कर लेती है। लेकिन हर बार इस तरह के बयान कंगना रनौत देती है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत ये बनती है। कंगना रनौत तो इस पर बहुत सारे तर्क देती है और इस बार जो लेटेस्ट बयान सामने आया है वो जरा हम आपको बता दें कि कंगना रनौत ने आखिर कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि जो पुराने किसान जो कानून थे उसको फिर से दोबारा ला जाए, यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी थी 2021 में जिसको निरस्त कर दिया गया था, जो कानून लेकर आई थी, एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि उसको दोबारा से लेकर आया जाए। अब इसी पर बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश टिकैत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कंगना रनावत जी ने एक बयान दे दिया, राकेश जी आपने सुना, उन्होंने कहा है कि जो पुराने कानून थे जो बीजेपी लेकर आई थी किसानों को लेकर, वो तीन जो कानून थे उसको एक बार फिर से लागू कर दिया जाए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखो, गलत है। जब 13 महीने दिल्ली का एक आंदोलन चला और भारत सरकार ने उसको वापस लिया और उन्हीं की एक सांसद जो किसानों के बारे में कुछ नहीं जानती है, तो या तो उसको समझ नहीं है, और अगर समझ है तो उनकी पार्टी के लोग कोई ना कोई ऐसा हुआ है कि उनको कहते हैं कि आप विवादित बयान देते रहो और फिर उसको व्यक्तिगत बयान बता के आप पीछे हटते रहो, तो ये भी हो सकता है क्योंकि बड़ी साजिशकर्ता पार्टी है। तो यानी राकेश जी, क्या बिल्कुल क्या आपको लगता है ये जानबूझकर सब चीज प्रायोजित है और बाद में जब लगता है कि बिल्कुल यही है ये कहना चाहते हैं? ये बहुत चारों तरफ को गेम खेलते हैं इनकी पार्टी के लोग और कह दिया कि भाई इससे बयान दिलवा दो और अपना बगल भी हटते रहो और बयान भी देते रहे। ऐसे ही हिंदू मुस्लिम पे बयान देते रहते हैं और फिर पार्टी लाइन कहती है नहीं नहीं हम तो सबको वो साथ रखते हैं, लेकिन एजेंडा इनका वही रहता है। भाई इनके तो किसी मंत्री को भी बयान देने का अधिकार नहीं है। अब देखो कितने मिनिस्टर है, कोई बयान दे सकता है क्या? लेकिन कुछ लोगों को उल जलूल बयान देने के लिए तैयार किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो आप। हमने ये कहा कि हम इनके पार्टी अध्यक्ष के चिट्ठी लिखेंगे, हम लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे, जिस स्टेट से आती है वहां के विधानसभा में भी हम चिट्ठी लिखेंगे, उनके जो अध्यक्ष है उसको भी लिखेंगे कि आपके स्टेट से चुनकर गई है तो इनको आप कहो, तो हम सबको चिट्ठी लिखेंगे संयुक्त मोर्चा की तरफ से। ठीक है, एक और बयान दिया था उसका जिक्र भी यहाँ पर करना जरूरी है क्योंकि तीन जो कानून को उसको एक बार फिर से लाने की बात करी है। लेकिन इससे पहले अभी कुछ दिन पहले हमने राकेश जी देखा था, कंगना रनौत ने ये कहा था कि जो किसानों का आंदोलन हो रहा है कहीं ऐसा ना हो बांग्लादेश में जिस तरह से अराजकता फैली, किसानों के आंदोलन से उसी तरह से अराजकता फैलेगी। तो इस तरह की बात लगातार कंगना रनौत की तरफ से की जा रही है और बीजेपी इस पर पल्ला झाड़ लेती है। वो ये चाहती है बीजेपी के एक ये लड़की है ये अपना किसान वाले इशू पे इससे उलझा दो और सरकार इससे बगल हट जाए। हमारा इशू सरकार से है, हमारा इशू सरकार की पॉलिसी से है। भैया तो ये लड़के कम समझ है और या फिर इसको ये बयान दिलवाए जाते हैं, तो यही दो चीज होती है। नहीं तो आपको क्या लगता है इसके पीछे मनसा बीजेपी की क्या है, क्या किसान आंदोलन को डिरेल करना चाहती है क्या, आपको ऐसा लगता है कि इसको जाकर रखो और किसान संगठनों को कंगना रावत से उलझा दो बस, और आप पीछे से खेल अपना करते रहो। वो हमारा इशू नहीं है, ना हमारा कंगना रावत इशू है। हमारा इशू है कि तीन कानून तो कोई भी सरकार अब आ जाए उसको लेकर नहीं आएगी और ना किसी किसानों को घबराने की जरूरत है। अपने जो मुद्दे हैं उन पर आप ध्यान दें, इस तरह के बयानों पर ध्यान ना दें। तो हमको वर्कआउट करना पड़ेगा कि इस तरह के अगर कोई बयान दे रहा है तो
तो उनसे बयानों से बगल रहे हैं, अपने आप को बगल रखे हैं। लेकिन देखिए राकेश जी, बीजेपी हमेशा ये कहती है कि जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अगर हमारे किसान भाइयों को लगता है कि कानून ठीक नहीं है, हमने उसको वापस लिया, इस पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो बीजेपी लगातार ये कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के आय को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनके खाते में पैसे दे रहे हैं, तमाम तरह की बात बीजेपी करती है। ऐसे में जब कंगना रनावत इस तरह का बयान देती है तो बीजेपी के लिए भी बहुत असहज सी स्थिति हो जाती है। बीजेपी भी कह देती है कि देखिए भाई हमसे इससे किनारा कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि इस तरह के नेताओं से बीजेपी को बचना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि बीजेपी इस तरह के नेताओं पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करे? ऐसा है ना, कार्रवाई अगर उसका निजी बयान होता तो वे बिल्कुल कार्रवाई करते। ऐसा नहीं है कि निजी बयान है, एक बयान निजी हो सकता है, 10 बयान निजी नहीं हो सकते। वो बार बार विवादित बयान देती रहती है, तो यह तो इतनी नासमझ है और उसका कोई सामाजिक उसमें कोई योगदान ही नहीं, सामाजिक जानकारी ज्यादा नहीं है। और किसी प्रेस वाले ने कोई भी पूछ लिया तो उसने बयान दे दिया, या तो इतनी नासमझ है। नहीं तो पॉलिटिक्स में जब आदमी आ जा, पिक्चर बनाने का काम कर रही, तो फिर तो जवाब को घुमा फिरा कर दे देना चाहिए ना। आपको बचना चाहिए विवादित बयानों से। ये बिल्कुल विवादित बयानों से बचना चाहिए राकेश जी, लेकिन जिस तरह से किसानों की मांगे हैं, उस मांगों को लेकर क्या कहेंगे और इस तरह के बयानों को लेकर आप बीजेपी या फिर केंद्र सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह के बयान आ भी रहे हैं और साथ साथ बीजेपी एक तरफ से कहती है कि किसानों के साथ भी खड़ी है, आप लोग अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? खड़े मध्य प्रदेश में हम पिछले 3 दिन से थे, वहाँ सोयाबीन का एक बड़ा इशू चल रहा, वहाँ धान का इशू है, वहाँ पे दालों के इशू है। जो रेट 10 साल पहले थे वही रेट आज है। क्या महंगाई नहीं बढ़ी? वहां आंदोलन चल रहे, ट्रैक्टर मार्च निकल रहे। और आप हिमाचल में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ आप, वहां पे भी फसलों का यही हाल है। आप श्रीनगर में चले जाओ, इलेक्शन चल रहा है लेकिन सेब के किसान का क्या हाल है। तो पूरे देश में फसलों के दाम कम है। जो सरकार ने घोषणा की कि MSP गारंटी कानून और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये दो फार्मूलों पर सरकारों को काम करना पड़ेगा, जब ही किसान की आमदनी कुछ बढ़ सकती है, नहीं तो आमदनी बढ़ेगी नहीं। और शिवराज सिंह चौहान अब कृषि मंत्री है, तो उनको क्योंकि वो किसानी के बारे में और वहां वे स्टेट में रहे हैं, सबसे ज्यादा हालात मध्य प्रदेश के किसान की खराब है। आंकड़ों से कुछ नहीं होगा, क्या आंकड़े आप ठीक दिखाते रहोगे? हालात किसान की क्या है और कितनी ताकत से किसान खेती करता है, जमीन की जुताई करता है, उसका भाव मिलना चाहिए बड़े। बिल्कुल, देखिए किसानों का मुद्दा, आप लोग तो किसानों के लिए लड़ाई लड़ ही रहे हैं लेकिन बीजेपी भी अपनी तरफ से तमाम बातें कर रही है। आप देखिए हरियाणा में आज इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं और ठीक एक दिन पहले कंगना रनावत का ये बयान आ जाता है, तो आपको लगता है कि बीजेपी को इससे नुकसान भी हो सकता है और इस तरह के नेताओं के खिलाफ बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई होनी चाहिए किसान नेता के तौर पर? क्या कार्रवाई तो क्या ये करेंगे, लेकिन उसको चुप रहने की कार्रवाई कर दो, प्रेस से दूर रहने की उसको कर दो। तो इस बात को कैसे कन्वे करेंगे आप? क्या आप आगे शायद विधान किसे चिट्ठी लिखने की बात? लोकल जिस स्टेट से आती है उसके विधानसभा अध्यक्ष को लिखेंगे, हम लोकसभा अध्यक्ष को लिखेंगे और बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है हम उसको लिखेंगे, नड्डा साहब को, सबको चिट्ठी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं राकेश जी? कैसा वो कार्रवाई तो क्या है, क्या होगी इनके खिलाफ? पार्टी ऑथेंटिक बयान, इनके प्रवक्ता होते हैं ना, प्रवक्ता बयान दे, कोई भी आदमी बयान ना दे, उससे एक माहौल जिससे खराब होता हो, तो उस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं। अच्छा ये भी है कि देखिए इस तरह के बात से बीजेपी किनारा कर लेती है तो आप लोग क्यों नहीं इस तरह के नेताओं को अवॉइड करते हैं कि ये तो कुछ भी कहते हैं, किसान आंदोलन पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग काम करते हैं? आपने बुझा, आपने चैनल वालों ने फोन आया कि इस पर क्या प्रतिक्रिया है, तो हमने दे दी। हम कहा अपने आप जाते हैं कि ये दिया, हमने तो अवॉइड ही कर रखे ये लोग। हाँ लेकिन मैं वही पूछना चाह रही थी कि आप लोग या फिर किसान आंदोलन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसे लोगों को अवॉइड ही करता है, किसान संगठन तो अवॉइड करता है, लेकिन कोई अगर पूछता है तो उसको जवाब हम दे सकते हैं।
ठीक है, ठीक है जी, चलिए ठीक है राकेश टिकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आपका।